8 नवंबर को झारखंड के झरिया के बिहार बिल्डिंग केस में बिजली के तार के चपेट में आ जाने के कारण 5 लोग बुरी तरह से झुलस गए थे, जिनको बेहतर इलाज के लिए रांची के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां रविवार को 14 नवंबर 2021 को 14 वर्षीय सानवी का इलाज के दौरान दोनों ही हाथों को ऑपरेशन कर काटना पड़ा था। लेकिन छोटी सी बच्ची सानवी यह दर्द ना झेल सकी और इलाज के दौरान उसने अपने प्राण त्याग दिए। सानवी की मौत की खबर से पूरा झरिया कोयलांचल मायूसी में छा गया था। बुधवार को संध्या 5 बजे मेन रोड स्थित देशबंधु सिनेमा हॉल के समीप सानवी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए झरिया के स्थानीय समाज से भी युवाओं द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान काफी संख्या में लोगों ने हाथों में मोमबत्ती लिए पद यात्रा भी निकाली और बिजली विभाग को खूब कोसा। कई समाज से भी स्थानीय नेताओं, समाज से भी युवाओं एवं आम नागरिकों ने सानवी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर भावनी श्रद्धांजलि अर्पित की और एक उत्सव में बिजली विभाग के अधिकारियों से इस हृदय विदारक घटना के चपेट में आए लोगों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने की मांग की, ताकि रांची अस्पताल में इलाजरत केसरी परिवार के लोगों को समुचित इलाज कराया जा सके। वहां मौजूद लोगों ने इस निर्मम घटना को लेकर काफी भर्त्सना करते हैं, अविलंब त्वरित कार्रवाई की मांग की है, ताकि इस दुख की घड़ी में किसी परिवार का आर्थिक सहयोग हो सके। इस मौके पर मुख्य रूप से राजकुमार अग्रवाल, सतीश गुप्ता, अरिंदम बनर्जी, राजमली मालाकार, संतोष साहू, पिंकी साहू, सिद्धार्थ केसरी, जयंत अग्रवाल, सुनील तुलस्यान, मिनकी अग्रवाल समेत झरिया के कई स्थानीय लोग मौजूद रहे। बीएनपी न्यूज के लिए झारखंड से संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट। पहले तो मेरी भांजी सानवी रानी का देहांत परसों बहुत ही दुखद और चीख के साथ हुआ, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण मैं था। आईसीयू के सामने बाहर में मैं बैठा हुआ उनकी चीख को सुन रहा था। बिजली विभाग के उस प्रबंधन के पास नहीं है, इसलिए नरसंहार को अंजाम दिया। बिजली विभाग के प्रबंधन को यह सोचना चाहिए कि ये घनी आबादी वाला क्षेत्र धनबाद, जो झारखंड की सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व में आता है, उसके बावजूद भी इस क्षेत्र में ग्रेडलिंग की व्यवस्था नहीं है। अभी भी हमारे सर के ऊपर जो वायर जा रहा है, इसमें ग्रेडल वायर नहीं लगा हुआ है, ना ही इसमें इंसुलेटेड पाइप की व्यवस्था है। ELR अर्थ लीकेज डीले जो होती है, अर्थ लीकेज डीले जो ट्रिपिंग कराती है, कोई भी वायर को अगर ग्राउंड से टच होने पे ट्रिपिंग कराती है, वो भी उस समय, उस दुर्घटना के समय कार्य नहीं किया। और भी बहुत सारी सुरक्षा के नियम जो बिजली विभाग को ये देखना चाहिए था, सारे नाकाम रहे। इसका परिणाम हमारे परिवार की, मेरी भांजी का देहांत परसों हुआ और 3 परिवार के और सदस्य आईसीयू में जूझ रहे हैं, रंग से काम करके लड़ रहे हैं। और मैं यहाँ इकट्ठे सभी सदस्यों और भाई और झरिया निवासियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो हमारे परिवार के साथ एकत्र हुए, इकट्ठा हुए, हमें सहन शक्ति दी, हिम्मत दिया, इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। इलाज में क्या कुछ समस्या वगैरह आ रही है क्या, पैसे वगैरह को लेकर? अभी वहाँ इलाज, मेरी भाभी भतीजी और भतीजा वहाँ भी इलाजरत हैं, दोनों आईसीयू में एडमिट हैं। कल भी प्रबंधन से वहाँ के डॉक्टर अनंत सिन्हा का बातचीत हुआ, उन्होंने उनको इंस्ट्रक्शन दिया उन्हें आयुष्मान से इलाज करने के लिए। इससे पहले तक जो भी इलाज हो रहा था परिवार के सदस्यों द्वारा राशि का भुगतान करने के बाद हो रहा था। आम लोगों से कुछ प्रशासन से और बिजली विभाग के लोगों से, और जिनकी ये गलती है उनको आँख बंद करके दुर्घटना की पुनरावृत्ति ना हो, दोबारा ये दुर्घटना ना घटित हो, इसके लिए आगे आने वाले समय में ये ना रिपीट ना हो, इसके लिए मैं यही मांग करता हूँ कि ये जो भी सुरक्षा के बंद किए गए हैं, जो भी इलेक्ट्रिसिटी के रूल बनाए गए हैं, उसको फॉलो किया। हमारे झरिया में जो घटना घटी है बहुत ही दर्दनाक घटना है, एक ही परिवार के हैं, बेटी गई है, यह सिर्फ केसरी परिवार की बेटी नहीं, हम सबों की बेटी है। आगे सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही होगी कि उनके परिवार को हम लोग आर्थिक सहायता करें, आर्थिक मदद करें, और सत्तापक्ष से भी यही उम्मीद करते हैं, बिजली विभाग से भी यही उम्मीद करते हैं कि हम कुछ आर्थिक मदद हम लोग को किया जाए, ताकि परिवार अच्छे से चले, उनका इलाज अच्छे से हो सके।
यही हमारी श्रद्धांजलि होगी और हम लोग परिवार के साथ। परिचय दीजिए अपना। पिंकी शाहू, भाजपा जिला महामंत्री महिला। ये जो केसरी परिवार के साथ जो घटना घटी है, बहुत ही दुखदायी घटना है और हम लोग सभी लोग केसरी परिवार के साथ हैं। यहाँ पे सरकार की संवेदनहीनता स्पष्ट नजर आ रही है। इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी अभी तक उस परिवार के साथ कोई हमदर्दी नहीं, कोई सहायता नहीं, जिसके चलते उस परिवार को बहुत ही आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। एवं उसके अभी भी परिवार के 3 सदस्य अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, जिसको बहुत जल्द से जल्द उसको आर्थिक मदद की आवश्यकता है। हम अपने जनप्रतिनिधि और सरकार से ये अपील करेंगे कि जितनी जल्द से जल्द हो सके उसको आर्थिक सहायता दिया जाए। अभी आप लोग क्या कर रहे हैं, आपको बताइए। उसी घटनाक्रम में एक बच्ची का देहांत परसों हो गया है, हम लोग उसी के श्रद्धांजलि सभा के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। पूरा परिचय दे दीजिएगा अपना। संतोष कुमार साहब, विश्व हिंदू परिषद, झरिया नगर। अपने